बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे। आज के जो वीक का हमारा टॉपिक है, जो हमने यानी कि इस वीक में जो ड्राइंग शीट बनानी है, दैट इज अबाउट स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ स्टील रूफ ट्रस। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। All right. So I hope this sheet is visible to everybody. This is not sheet number 5. In our case, this is sheet number 6. So please do not get yourself confused in sheet numbering. जिस हिसाब से हम शीटें बनाते जा रहे हैं, वो उसी हिसाब से हमारी शीट नंबर जो है वो उसको आप कंसिडर करेंगे उसके लिए। तो स्टील रूफ ट्रस क्या चीज है, ठीक है? तो ये शीट बेसिकली बनाने से पहले वी मस्ट हैव सम अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू यू नो क्रिएट ड्राइंग्स इन ऑटोकैड। यानी कि कुछ ड्राइंग्स बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो मैं ज्यादा डिटेल या डीप में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपको इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। तो मैं अपनी जरा एक प्रेजेंटेशन है, जस्ट पिक्चर्स टाइप की और डेफिनेशन की तरह की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप ये मेरी स्लाइड जो है आपको नजर आ रही है। तो Here is the structural detail of steel roof truss, and this is our sheet number, sheet number 6. Okay, so let us see what is truss. Truss is a framework typically consisting of rafters, posts, and struts supporting a roof, bridge, or other structure. Here in truss, I have simply the definition. फ्रेमवर्क यानी कि तीन डिफरेंट यू नो स्ट्रक्चरल मेंबर्स जब आप में एक आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो मैं इन शॉर्ट आपको ये बता दूं, जब तीन मेंबर्स स्ट्रक्चरल मेंबर्स जब आप में आपस में कंबाइन होकर एक ट्राइंगल बनाए ना, तो उसे ट्रस कहते हैं, ठीक है? और स्पेसिफिकली व्हाट इज स्टील रूफ ट्रस, पहली बात हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं कि स्टील रूफ ट्रस की बात है। स्टील मीन के यहाँ पे स्टील यूज हुआ होगा। सेकंडली ये रूफ की जो छतें हैं, जो हमारी छतें हैं वहाँ की बात हो रही है, ट्रस का मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो लेट अस सी व्हाट इज स्टील रूफ ट्रस। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आइकॉनिक एलिमेंट made of individual members with equal counteracting tensile and compressive forcing. Its purpose is designed to behave as a single object which carries support, which carries or supports a load over the span. यानी कि ये सीधी सी बात कर रहा है कि ये जो structural engineers हैं उनका जो मोस्ट एक iconic element है, ठीक है? और especially इसमें steel structures की बात हो रही है, ठीक है? और बाकी वो कह रहे हैं कि इसमें जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं यहाँ पे वो इक्वल होती हैं, और इसका पर्पस क्या होता है, इसको इस तरह से बनाया जाता है इस स्टील रूफ ट्रस को कि ये जो है ना एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे, और ये इन जो है ना ऑब्जेक्ट, ये जो ट्रस है ये सेल्फ सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे, डिफरेंट पॉइंट्स से लोड कैरी करे और एक बड़े एरिया पे स्प्रेड कर दे, और बड़े एरिया पे ना स्प्रेड करके फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूट करे, नीचे मेंबर पर, यानी रूफ का जो लोड है वहां से एक बड़े एरिया पे नीचे जो आपकी बीम्स हैं, ये जो कॉलम्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है? तो अब मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि रूफ ट्रस
है, अब अब इसमें इसमें आप आप देखें, देखें ये ये मेंबर्स मेंबर्स हैं हैं आपके, आपके ऊपर ऊपर से से तक नीचे ये ये मेंबर मेंबर्स तक, हैं। मिनिमम मिनिमम तीन तीन मेंबर्स मेंबर्स हैं। हैं। जब जब मिनिमम मिनिमम तीन तीन मेंबर्स मेंबर्स आपने आपने ज्वाइन ज्वाइन होंगे होंगे तो तो वो वो ट्रस्ट ट्रस्ट बनाएंगे, बनाएंगे, ठीक ठीक है। है। तो तो यहाँ यहाँ पे पे तो तो अब अब हमने हमने पूरी पूरी छत छत बनानी बनानी है, है, तो तो ये ये तीन तीन तो तो नहीं नहीं होंगे होंगे, ना, ना, तीन तीन से से ज्यादा ज्यादा ही ही होंगे होंगे, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। नाउ नाउ दिस दिस इज इज द द स्टेयर स्टेयर रूम रूम ट्रस, ट्रस, ठीक ठीक है। है। ये ये एक एक ट्रस ट्रस है, है, ठीक ठीक है, है, और और इसके इसके अंदर अंदर फर्दर फर्दर मतलब मतलब आपके आपके रहने रहने के के काफी काफी सारे सारे बटन बटन हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। एक एक फिर फिर दो दो फिर फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑफिस, ऑफिस, जितनी जितनी भी भी लंबी लंबी आप आप छत छत होगी, होगी, ठीक ठीक है, है, रूफ रूफ होगी, होगी, उतनी उतनी ये ये प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग कर कर देंगे। देंगे। यहाँ यहाँ पे पे भी भी आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं कि कि ये ये आप आप ये ये एक एक अलग अलग से से स्टील स्टील रूफ रूफ ट्रस ट्रस है, है, ये ये अलग अलग से से है, है, और और बट बट इन इन दोनों दोनों में में जो जो अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑफ मेंबर्स मेंबर्स है है वो वो डिफरेंट डिफरेंट है, है, ठीक ठीक है। है। तो तो अब अब ये ये मैं मैं बात बात कर कर रहा रहा था था कि कि ये ये चीज, चीज, ठीक ठीक है, है, ये ये तीन तीन मेंबर्स मेंबर्स ज्वाइन ज्वाइन हुए हुए हैं। हैं। अब अब ये ये जो जो चीज चीज है है ना, ना, ये ये प्लेट प्लेट है, है, इसे इसे गसट गसट प्लेट प्लेट कहते कहते हैं, हैं, आगे आगे आएगी आएगी भी, भी, ठीक ठीक है। है। तो तो ये ये आपकी आपकी गसट गसट प्लेट प्लेट है। है। अब अब ये ये कुछ कुछ जो जो ट्रसेज ट्रसेज है है ना, ना, उनका उनका मैं मैं आपको आपको बताऊं बताऊं कि कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ ट्रसेज ट्रसेज हैं, हैं, उनके उनके कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है, है, फिर फिर उनको उनको नाम नाम दिया दिया है। है। ये ये जस्ट जस्ट आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन के के लिए लिए है, है, ठीक ठीक है। है। ये ये देखें, देखें, एक एक ट्रस ट्रस ही ही है, है, वुडन वुडन ट्रस ट्रस है, है, लेकिन लेकिन मेंबर्स मेंबर्स तो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली सेम सेम ही ही होते होते हैं, हैं, वो वो स्टील स्टील का का हो हो या या लकड़ी लकड़ी का का हो, हो, उसको उसको नाम नाम तो तो उसको उसको भी भी दिया, दिया, एक एक ही ही दिया दिया जाता जाता है। है। तो तो ये ये हमारे हमारे मेंबर्स मेंबर्स हैं हैं कौन कौन से से जी, जी, प्लम प्लम कट कट इसे इसे कहते कहते हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। अलबत्ता अलबत्ता फिर फिर ये ये पर्लिन पर्लिन है, है, ये ये कॉलर कॉलर टाई, टाई, रिज रिज बीम, बीम, ये ये जो जो सबसे सबसे ऊपर ऊपर टॉप टॉप वाली, वाली, ठीक ठीक है। है। सीजर सीजर बीम, बीम, ठीक ठीक है। है। ये ये राफ्टर्स राफ्टर्स हैं, हैं, ये ये वाले वाले जो जो न्यू न्यू लगे लगे हुए हुए हैं हैं ना, ना, ये ये ऊपर ऊपर से से ये ये राफ्टर्स राफ्टर्स हैं हैं हमारे, हमारे, ठीक ठीक है। है। फिर फिर ये ये वाले वाले टॉप टॉप प्लेट प्लेट है, है, ये ये सीलिंग सीलिंग जॉयस्ट जॉयस्ट है है, ये ये वाला, वाला, ठीक ठीक है, है, जितना जितना सीलिंग सीलिंग होती होती है, है, एंड एंड सो सो ऑन, ऑन, ठीक ठीक है। है। बस बस जस्ट जस्ट ये ये आपको आपको दिखाना दिखाना था। था। फिर फिर इसी इसी तरह तरह गसेट गसेट प्लेट प्लेट में में आपको आपको वहां वहां पिछली पिछली डायग्राम डायग्राम में में दिखा दिखा चुका चुका हूँ, हूँ, ये ये गसेट गसेट प्लेट प्लेट है है हमारी, हमारी, ये ये भी, भी, ये ये भी, भी, यानी यानी जहाँ जहाँ पे पे तीन तीन मेंबर्स मेंबर्स एक एक इकट्ठे इकट्ठे हो हो रहे रहे हैं हैं ना, ना, वहां वहां पे पे उनको उनको ज्वाइन ज्वाइन करने करने के के लिए लिए जो जो बड़ी बड़ी प्लेट प्लेट लगाते लगाते हैं हैं गसेट गसेट प्लेट प्लेट होती होती है। है। इसको इसको किंग किंग पोस्ट पोस्ट कहते कहते हैं, हैं, ये ये हमारा हमारा टॉप टॉप कॉर्ड कॉर्ड है, है, ठीक ठीक है। है। और और ये ये वाला वाला बॉटम बॉटम कॉर्ड कॉर्ड है, है, टॉप टॉप कॉर्ड कॉर्ड और और बॉटम बॉटम कॉर्ड कॉर्ड आपने आपने याद याद रखना रखना है है अगर अगर ड्राइंग ड्राइंग आएगा, आएगा, ठीक ठीक है। है। ये ये ट्रस ट्रस रैप रैप है। है। इसी इसी तरह तरह ये ये मतलब मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रसेज ट्रसेज मैंने मैंने आपको आपको जस्ट, जस्ट, यानी यानी कि कि कुछ कुछ जो जो आपके आपके ना ना जो जो यहाँ यहाँ पे पे मैंने मैंने ट्रसेस ट्रसेस काफी काफी सारे सारे दिखाई दिखाई हुई हुई हैं, हैं, उसमें उसमें से से कुछ कुछ एलिमेंट एलिमेंट एक एक ट्रस ट्रस में में शो शो हुए हुए हैं हैं मेरे मेरे दूसरे दूसरे में। में। तो तो ये ये सारी सारी की की सारी सारी आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन के के लिए लिए है, है, ये ये हमारा हमारा टॉप टॉप कॉर्ड, कॉर्ड, ये ये बॉटम बॉटम कॉर्ड, कॉर्ड, ठीक ठीक है। है। ये ये गसेट गसेट प्लेट प्लेट है, है, ये ये बेयरिंग बेयरिंग पॉइंट पॉइंट है, है, ये ये भी भी बेयरिंग बेयरिंग ऑफिस ऑफिस है, है, ये ये बेयरिंग बेयरिंग पॉइंट पॉइंट में में आपको आपको हाई हाई सारी सारी स्लॉट्स स्लॉट्स जो जो है है ना ना डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करते करते हैं हैं बड़े बड़े एरिया एरिया पे, पे, और और ये ये एक एक सेल सेल ये ये सारे सारे का का सारा सारा वन वन यूनिट यूनिट या या वन वन सिंगल सिंगल यूनिट यूनिट बिहेव बिहेव करता करता है, है, ठीक ठीक है। है। ये ये हैं हैं मेंबर्स मेंबर्स हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। ये ये इसको इसको एक एक पैनल पैनल कहते कहते हैं, हैं, यानी यानी कि कि दो दो ट्रसेस ट्रसेस के के दरम्यान दरम्यान जो जो जगह जगह है है ना, ना, जो जो विड्थ विड्थ है है या या जो जो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल स्पेस स्पेस है, है, जो जो ये ये लेंथ लेंथ है, है, इसे इसे पैनल पैनल लेंथ लेंथ कहते कहते हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। तो तो अब अब लेट लेट अस अस गेट गेट बैक बैक टू टू आवर आवर ड्राइंग ड्राइंग शीट। शीट। ऑल ऑल राइट, राइट, तो तो दिस दिस इज इज आवर आवर ड्राइंग ड्राइंग शीट। शीट। अब अब इसको इसको मैं मैं आपको आपको बताऊं, बताऊं, टीओ टीओ को को जो जो बताया, बताया, ड्रॉ ड्रॉ द द बॉटम बॉटम कॉर्ड कॉर्ड प्लान प्लान ऑफ ऑफ स्टील स्टील रूफ रूफ ट्रस ट्रस एट एट एलिवेशन एलिवेशन 28 फीट 6 इंचेस, ठीक ट्वेंटी एट फीट एंड है। सिक्स यानी कि इंचेस, ठीक 28 1/2 फिट, है। ठीक ठीक है। है। तो तो उस उस पे पे आपने आपने बनानी बनानी है। है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमने हमने जो जो अगर अगर हम हम स्टार्ट स्टार्ट से से बात बात करें, करें, तो तो हमने हमने एक एक टू टू स्टोरी स्टोरी बिल्डिंग बिल्डिंग बनाई बनाई थी। थी। टू टू स्टोरी स्टोरी बिल्डिंग बिल्डिंग हमारी हमारी जो जो थी थी वो वो यानी यानी कि कि उसकी उसकी जो जो
तो ये है जी अब हमारा बॉटम कॉर्ड प्लान एट एलिवेशन 28 फीट एंड 6 इंचेस। मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है। 28 फीट एंड 6 इंचेस बॉटम कॉर्ड का प्लान है। बॉटम कॉर्ड में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि वो क्या है। अब यहाँ से जो हमारी असल जो एलिवेशन है ये, ठीक है, अब ये हमारे केस में हमारी जो ट्रस है वो ये चीज है, ये है हमारी बॉटम कॉर्ड ये वाली। अब पहले इसका प्लान बनाया हुआ है, ठीक है। फिर ये हमारा है टॉप कॉर्ड, ये सारा ये आधी ट्रस यहाँ पे खत्म हो जाती है, दूसरी तरफ भी यही चीज है, इसीलिए इसको यहाँ से काटा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ ये एक्सटेंड कर दी, यही चीज है। तो ये एक साइड मतलब वन साइड हाफ ट्रस जो है ना हो गई ये यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं भी हमारी ड्राइंग्स में ये हाफ रहा हूँ, ये पूरी जो है ट्रस बनाई कर रही हूँ। तो जो हमारी वेरी फर्स्ट डायग्राम है वो इस बॉटम कॉर्ड का प्लान है, ठीक है, इस बॉटम कॉर्ड का प्लान। तो पीछे चलते हैं, ये है जी हमारा बॉटम कॉर्ड, ठीक है। ये उसका प्लान है, ये उसकी हमारी स्टेयर लेने ऊपर और नीचे आने जाने के लिए दी है। आपको सब पता है जो डॉटेड लाइन है वो स्टेयर हमारी जो कटी हुई है, जिससे जो आपके लिए सॉलिड है वो हमारी स्टेयर हमारे अंदर आ रही है, ये D2 है। और इसी तरह ये T1 जो है ना बॉटम कॉर्ड का जो एलिवेशन वन है 28 feet and 6 inches। तो ये वो चीज है, आपको सब पता है, जस्ट हमने जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है। नंबर ऑफ ट्रसेस इसमें काफी सारे हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगली डायग्राम हमारी क्या है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ये है जी विंड ब्रेसिंग रेफर शीट 5-8, यानी इसी के अंदर जो आखिरी डायग्राम है हमारी 8वें नंबर वाली, वो इस चीज को फोकस करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमारा टॉप कॉर्ड जो है ना, मैं अगली डायग्राम में आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अब ऑब्वियसली हमने बात की थी जो हमारा बॉटम कॉर्ड है ना, ये बॉटम कॉर्ड का एलिवेशन कितना है, ये बॉटम कॉर्ड का एलिवेशन 28 फीट एंड 6 इंच है, ठीक है। तो टॉप कॉर्ड हमारा ये वाला है, ठीक है। तो टॉप कॉर्ड ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ और एलिवेशन है, यहाँ पे कुछ और एलिवेशन है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे एलिवेशन है वो है कितना, 28 + 4 तो 32 feet and 6 inches, यानी कि 32.5 जो है ये हमारा एक एलिवेशन है। और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे ये बताई गई है, एक एक है 32 feet 6 inches to 36 feet, इट मीन के जो सेंटर वाला जो क्राउन है या जो हाईएस्ट पॉइंट है किंग जिसे पोस्ट कहते हैं वो हमारा 36 feet पे है, ठीक है। बाकी ये उसकी डिटेल नहीं है, आपको सब पता है ऑलरेडी, ड्राइंग आपने बनाई हुई है, ये जैसा व्यू नजर आ रहा है ऑब्वियसली वैसे ही हमने बनाना है, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा नया कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये हमारा एलिवेशन है। तो एलिवेशन में ये है कि ये देखें जहां पे, यानी ये गसेट प्लेट्स है बेसिकली, ठीक है। ये देखें GP, ये गसेट प्लेट 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये जितने ज्यादा या इससे ज्यादा जितने भी मेंबर्स हमारे ज्वाइन हुए होंगे तो उनको हमने ऑब्वियसली जोड़ा हुआ है गसेट प्लेट्स की मदद से। तो ये वो गसेट प्लेट्स हैं, ये भी आगे आपको दिखाई गई हैं आगे डायग्राम में, ठीक है। तो ये हमारा एलिवेशन है और ये हमारे मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं। बाकी ये जो डिटेलिंग है ये आप देख लें, इसमें बताई हुई है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो शीट बना रहे हैं वो क्या चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है जी हमारा C1 डिटेल, C1 इधर कहीं पे होगा, अच्छा। तो C1 हमारा यहाँ पे कहीं होगा। अब जिस तरह यहाँ पे डिटेल ए जो है ना, क्या कहते हैं, रेफर शीट 5
यानी कि शीट नंबर 5 तो यही चल रही है, ठीक है, यानी कि छठे पेज पे, सिक्स पेज पे डिटेलिंग एक की दी है। इसी तरह आप यहां पे देखेंगे डिटेल C1 एंड C2, उसकी डिटेलिंग रेफर P5-4 एंड 5-5, इट मींस दिस इज C1 एंड C2, मतलब इसको कहा गया है। और ये जो शीट नंबर हमारी 5 है, 5B है, मतलब इसी शीट के हिसाब से ये शीट नंबर 5 है, ठीक है। और ये पेज 4 पे जो फोर्थ डायग्राम है और फिफ्थ डायग्राम है, उस पे ये इसकी डिटेल दी है। इसी तरह डिटेल बी रेफर शीट नंबर 5 और -6 मींस 6 डायग्राम, ठीक है। और अच्छा, ये शीट की एलिवेशन है, ये है जी C1, ठीक है। अब C1 में देखें, ये जस्ट आप पढ़ लें, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब समझने वाला, बस ये जस्ट उसको मेंबर्स को ज्वाइन कैसे किया हुआ है ये, क्योंकि हमारा ये लकड़ी नहीं है, तो इसमें वो बोर्ड्स और वो वेल्डिंग की होती है प्रॉपर, ठीक है, अच्छे से ड्रिल के साथ। तो ये वो चीजें हैं, बाकी ये स्ट्रक्चरल मेंबर्स जो तीन के हैं वो ज्वाइन किए होते हैं, वेल्ड किए होते हैं, सिंपल सी बात है, बस बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह ये हमारा C2 सेक्शन है, ठीक है। और ये चीजें आप पढ़ लें, अगर समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क एट एनी टाइम ड्यूरिंग ड्राइंग दीज फिगर्स, ठीक है। ये हमारा डिटेल ए और ये डिटेल बी, ठीक है। ये हमारी जैसे ले लेते हैं तीन मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये देखें एल सेक्शन है, इसका मतलब है दिस इज एल सेक्शन, 3 इंच बाय 3 इंच ये इसकी विड्थ और ब्रेथ है, और हाफ इंच इनटू हाफ इंच का मतलब ये कि हाफ इंच ये थिक है, ठीक है, थिकनेस। और इसी तरह ये टी सेक्शन है, कौन सा, ये वाला ये टी सेक्शन है, 3 इंच बाय 3 इंच इसकी लेंथ और विड्थ है, और ये जो है थिकनेस इसकी हाफ इंच है। एंड सिमिलरली यहां पे ये देखें, ये सी सेक्शन है पर्लिन, जो C7 × 12.25, ये आगे जब आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बताया होता है कि भाई ये थी इसका मतलब, ठीक है। इसी तरह ना दिस इज एल सेक्शन, सामने में शक्ल से नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी ये डिटेल्स गिवन है, इसी तरह ये डिटेल बी की है, यहाँ पे जैसे तीन मेंबर इस तरह के, मतलब अब अगर आप ओरिजिनल एक्चुअल डायग्राम में जाएं ना, तो ए पे जाएंगे तो आपके पास एक बड़ा मेंबर होगा इस तरह से, साथ में उसके साथ 1, 2, 3 मेंबर इस तरह से लगे लगाएंगे। अगर डिटेल बी पे जाएं तो ये एक टी सेक्शन है, टी के साथ हमने फर्दर एक एल सेक्शन और एक और टी सेक्शन यहाँ से आगे जा रहे हैं, ये के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली ये वो गसेटेड हमारी 1, 4, 5, 8, 11, ये वो दिखाई हुई हमारी गसेटेड है, ठीक है। और ये डिटेल एक्स ऊपर और बैकग्राउंड में गिवन होता है कि मतलब डिटेल एक्स कौन सा है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी है, ठीक है। ये सिंपल वो जो पर्लिंस हैं, पर्लिंस में आपको ऑलरेडी पिछली जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी उसमें ऑलरेडी आप दिखा रहा चुके हैं पर्लिंस कौन से होते हैं, ठीक है। और पर्लिन है सी सेक्शन यूज हुआ, लकड़ी का तो नहीं है, ऑब्वियसली यहां स्टील का सी सेक्शन यूज हुआ, ये हमारा सेक रॉड है, ठीक है। ये एक तरह का 6 फीट 3 इंच सेंटर सेंटर, इट मींस ये जो सेक रॉड लगे हुए हैं, हर सेक रॉड एक सेक रॉड और दूसरे के दरमियान 6 फीट और 3 इंच का दिस गैप है, और वो सेंटर से सेंटर को जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे गसेट रेट की डायमेंशन है, दिस इज ऑब्वियसली जिस तरह का हमारा जिस तरह के हमारे मेंबर्स होंगे स्टील के जो हमने जोड़ा हुआ है तो उसी हिसाब गसेट रेट उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, ठीक है। फिर ये है कि हमारा पार्ट लेन एंड विंड ब्रेसिंग, जो वेरी स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये विंड ब्रेसिंग है, और ये 8th फिगर है इसी हमारी, आप ये देख ले यहां से शीट 5 और -8, ये यहां से वेरीफाई इसकी चीज कर सकते हैं, शीट 5 और -8, ठीक है। ये विंड ब्रेसिंग वाली डिटेल लेंगे, फर्दर डिटेल क्यू डिटेल बी, ठीक है। तो ये डिटेल बी बताइए ये किन किन किस तरह से फैला हुआ है, यानी कि इसी चीज को मैग्नीफाई करके ये आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह डिटेल क्यू को ये इस तरह से मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑफ स्टील रूफ ट्रस, ठीक है। तो ये शीट आप बनाएं,
और इस वीकेंड तक ये शीट बना के सबमिट कर दें। और इसके बाद आपका एक और लेक्चर रह गया है जो कि आपका PIM एक सॉफ्टवेयर है, बेसिक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है, उस पे होना है इंशाल्लाह। तो VIM पे जो लेक्चर है वो सर रही इंशाल्लाह आपको लेक्चर देंगे। तो ये आपकी शीट है ना जो आपने ऑटो कैड बनानी थी वो यहाँ पे मतलब शीट नंबर 6 पे कंप्लीट हो जाती है। और फर्दर अगर आप मुझसे किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप पे और कहीं भी वो मुझसे पूछ सकता है। एंड बाकी जो आपकी अनाउंसमेंट्स होंगी असाइनमेंट्स के हवाले से और क्विज़ के वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप या फिर LMS पे आपको अनाउंस कर दी जाएंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।